Welcome to everyone. In previous video, I have started to teach you about the subject history. History में start इसमें कर दिए थे और ये हम बताए थे कि history को हम लोग तीन part, ये history तीन part में जो divide है, ancient, medieval और modern history. And one by one, I will discuss all the history. तो पिछला में हम ancient history start किए थे, जिसमें हम काफी कुछ उसका introduction बताए थे about the history, that what do you mean by history, क्या होता है, क्यों हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं. एंड जो हिस्ट्री में जो डेट लिखते हैं, हम लोग डेट देखते हैं वो BCE एंड CE. तो ये जो डेट है BCE एंड CE, इसको हम लोग किस आधार पे डेट को हम लोग BCE डाले और CE डाले, इसका भी डिस्कशन हम पिछले वीडियो में कर चुके थे. और इसके बाद आगे बढ़ते हुए ये बताया था कि हिस्ट्री है जो सोर्सेज के आधार पर पढ़ा जाता है, और सोर्सेज भी हम स्टार्ट किए थे. तो आज का ये वीडियो हम सोर्सेज से फिर से स्टार्ट करते हुए कंटिन्यू करेंगे स्टोन एज तक. बताए थे आपको कि हिस्ट्री जो हिस्ट्री है आधार पे पढ़ा जाता है, सोर्सेज क्या है, हिस्ट्री इज स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज. एंड इन सोर्सेज में हम बताए थे कि देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज. द फर्स्ट वन इज लिटररी सोर्सेज. The first one is literary sources. Literary sources are those sources which we can read and write. वैसा source जो हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो उसको हम लोग literary source बोलते हैं. And the second, ये आपका literary sources है. And the second one is archaeological sources. The second one is archaeological sources. Archaeological sources are those sources which have physical events, जिसका physical events है, जैसे जिसको तुम छू सकते हो, जिसको तुम महसूस कर सकते हो. जैसे मैं building, monuments, coin, inscriptions, हम इस पर आएंगे, उसको हमको archaeological sources कहते हैं. This is archaeological sources. ये दोनों के आधार पे, literary sources और archaeological sources के आधार पे, we will study about the history. हम लोग history के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि history is studied on the basis of sources के आधार पे history पढ़ा जाता है. तो ये literary और archaeological sources के basis पे हम लोग history पढ़ेंगे. आगे बढ़ते हुए हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के आगे बारे में जानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आता है. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या हम लोग को एविडेंस मिला है. द फर्स्ट वन इज क्वाइन. द फर्स्ट वन इज क्वाइन, मुद्रा है. क्वाइन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज विच गिव्स अस लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर एंशिएंट हिस्ट्री. के बारे में काफी कुछ बताता है. क्या क्या बताता है क्वाइन? क्वाइन हमें बताता है, ये क्वाइन हमें बताता है कि ये इन एंशिएंट हिस्ट्री गिव्स अस अबाउट लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वाइन. इट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द किंग्स. ये राजा के बारे में बताता है कि जो राजा हुआ करते थे वो कितने शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, क्योंकि जो जितना शक्तिशाली हुआ करता था वो अपने हिसाब से उस मेटल का वो क्वाइन बनाया करता था. क्वाइन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल, लाइक किस किस लाइक द सिल्वर का क्वाइन बनता था, गोल्ड का क्वाइन बनता था, कॉपर का क्वाइन बनता था. आप कह सकते हो इस तरीके से जो क्वाइन है वो काफी मेटल से, इस तरीके का सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, कई मेटल का बना करता था. और ये बताता था कि राजा जो जितना शक्तिशाली हुआ करता था उसी हिसाब से वो अपना क्वाइन बनाया करता था. मान लो कोई राजा बहुत शक्तिशाली है तो सिल्वर का क्वाइन इशू करवाया बनवाया, तो यानी वो गोल्ड का बनवाया तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली. अगर कॉपर का बनाया तो पता चलता है कि राजा ज्यादा शक्तिशाली नहीं था. तो इस तरीके से ये बताता है, क्वाइन हमें इंफॉर्मेशन देता है. और क्या इन्फॉर्मेशन देता है क्वाइन? हमें ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन भी देता है. कैसे? क्योंकि जब ट्रेड हुआ करता था एंशिएंट टाइम में, एक कंट्री से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में व्यापार हुआ करता था, तो अगर मान लो किसी एक कॉन्टिनेंट का मुद्रा किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में पाया जाता है तो वो जो अवशेष मिले, ये बताता है कि पहले जमाने में एंशिएंट के टाइम में व्यापार यहाँ से वहां हुआ करता था. तो ये ज्योग्राफिकल हम लोग को इन्फॉर्मेशन बताता है. एंड द स्टडी ऑफ क्वाइन इज नोन एज न्यूमिस्टमैटिक्स. एंड द स्टडी ऑफ क्वाइन इज नोन एज न्यूमिस्टमैटिक्स बोला जाता है. द सेकेंड वन इज इंस्क्रिप्शन. द सेकेंड वन इज इंस्क्रिप्शन.
The second archaeological sources is inscription. Inscription means the message. What do you mean by inscription? Inscription means the message which are written on the hard rock surface. Ancient time ke raja inscription jo tha, which was started at the time of Ashoka ke time se inscription start hua tha. क्या होता था कि राजा जो थे अपने बारे में क्या वो उपलब्धियां हासिल करवाए, क्या क्या वो प्रजा के लिए किया, अपने बारे में उन्होंने अपना मैसेज छोड़कर गए थे. और ये जो इंस्क्रिप्शन था वो हार्ड सरफेस पे लिखवाया करते थे, कई बार कॉपर प्लेट पे भी लिखवाया करता था. गुप्ता एज में तुम देखोगे कि जो राजाएं होते थे वो लैंड ग्रांट्स, ब्राह्मण्स लोग को लैंड ग्रांट्स दिया करता था और उसको प्रूफ के रूप में कॉपर पे पतला कॉपर का प्लेट हुआ करता था, उस पर वो सारा लिख कर दिया करता था. तो इंस्क्रिप्शन तुम बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स में देखोगे, आज भी कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स एंशियंट टाइम के मॉन्यूमेंट्स हैं जिसपे कुछ लिखे हुए हैं जो हमें बताते हैं, कई कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं. तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन ऑल्सो गिव्स लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. एंड द थर्ड वन इज आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स एंड द फोर्थ वन इज ह्यूमन रिमेन्स. ह्यूमन रिमेन आर्टिफैक्ट्स जो बर्तन मिट्टी के या किसी चीज के जो बनाया करते थे, यूज किया करते थे, उसके कुछ अवशेष मिले वो भी हमें कुछ बताता है कि किस एक बर्तन या खिलौना किस तरह का यूज बना के उन लोग इस्तेमाल करते थे. एंड ह्यूमन मेनी ह्यूमन रिमेन्स ऑल्सो फाइंड दैट स्केलेटन आदमी के जानवर के कई स्केलेटन मिले जमीन के अंदर गड़े हुए. ब्यूरियल में जो पता जिसे पता ये पता चलता है कि जब लोग मरते थे ये भी पाया गया है कि जब इंसान मरता था तो उसके साथ साथ उसके डेड बॉडी के साथ साथ वो लोग काफी कुछ उसके साथ बरी किया करते थे, जैसे में अनाज हो गया, जानवर साथ में बरी किया करते. तो ये भी अवशेष में पाया गया था कि इंसान के बॉडी के साथ साथ जानवर का भी बॉडी पाया जाता था, जिससे पता चलता मरते तो मानते कि मरने के बाद भी ये लोग इसका यूज करते हैं और साथ में ये सब चीज का वो लोग बरी किया करते थे. तो ऑल दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. नाउ द सेकंड वन इज लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज व्हाट लिटरेरी सोर्सेज अभी जैसे कि बताएं आर दो सोर्सेज विच कैन बी रीड एंड राइट, जो लिखा एंड पढ़ा जा सकता है उसको लिटरेरी सोर्सेज बोलते हैं. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तुम देखो कि एंशियंट टाइम में जो मैक्सिमम जो सोर्सेज थे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे, क्योंकि उस टाइम नहीं लोग पढ़ना सीखा था नहीं लिखना सीखा था. लेकिन हाँ आगे बढ़ते बढ़ते अब तुम देखोगे कि कई लिटरेरी डेवलप हो जाता है, लोग पढ़ना लिखना इंडस वैली सिविलाइजेशन तक तो लोग लिखा था लेकिन पढ़ नहीं पाया था. लेकिन उसके आगे जब तुम पढ़ोगे वैदिक केस की तरफ तो उस टाइम तक काफी लिटरेरी सोर्सेज हम लोग को मिला है. तो लिटरेरी सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. इसमें भी दो तरीके का होता है. द फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक. डोमेस्टिक लिटरेरी सोर्सेज. डोमेस्टिक मीन्स दोज इंफॉर्मेशन विच हैज बीन रिटन बाय द किंग बाय द पोएट इन देयर किंग कोर्ट. किंग के कोर्ट में राजा के दरबार में जो पोएट हुआ करता था, राजा के दरबार में बड़े बड़े पोएट रखा करता था, वो राजा के बारे में इंडिया के बारे में लिखा करता था. तो वो जो इन्फॉर्मेशन मिले हैं हमें वो डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे देश के राजा अपने पोएट के द्वारा लिखवाया करते थे. एंड द सेकंड वन इज फॉरेन. फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज आर दो जो इसमें ये है कि बताता है कि भारत के इंडिया से बाहर के लोग इंडिया में आते हैं, रहते हैं और इंडिया के बारे में लिखते हैं और बताते हैं, तो उसको हम फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज बताते हैं. जैसे में इसका एग्जांपल है चाइना से, सेंट्रल एशिया से चाइना से इंडिया में आया था ह्वेन सांग. आया था ह्वेन सांग काफी के स्टेज में रहता है. इसने एक बुक लिखा था जिसका नाम है सी यू की बुक लिखा है, जिसमें काफी कुछ वो गुप्ता एम्पायर के बारे में बताता है, मौर्य एम्पायर के बारे में बताता है, काफी बड़े बड़े राजा के कोर्ट में जाता है, रहता है कई साल तक और काफी कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है. कहा जाता है कि इंडिया में कई पूरे इंडिया जितना शायद तुम इंडिया को नहीं घूमे होगे उससे ज्यादा ये इंडिया को घुमा था और इंडिया के बारे में जाना था, उसके बाद लिखा था, जो जिससे हमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन एंशियंट टाइम के राजा मेडिवल के बारे में पता चलता है. डोमेस्टिक एंड फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज. इसमें भी दो तरीके का है. द फर्स्ट लिटरेरी इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप. द फर्स्ट वन इज सोशल लिटरेरी. ये सोशल लिटरेरी जिसमें राजा लिखवाते हैं
अपने बारे में सेकुलर होते हुए, कोई साइंटिफिक भी है, कई सोशल भी है, कई सेकुलर भी है, इस तरीके से काफी राजा अपने बारे में जो लिखवाए हैं वो हमें मिले। एंड द सेकंड वन इज, सेकंड कर सकते हो इसमें रिलीजियस रिलीजन है, रिलीजन लिटरेचर सोर्सेज मिला है जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म का के बारे में पता चला है। इस तरीके का जो सोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ दिस हिस्ट्री इज नोन एंड हिस्ट्री इज स्टडी। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हुए हिस्ट्री को हम लोग क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ते हुए हम लोग जानेंगे कि कैसे स्टार्ट हिस्ट्री हुआ और कौन से पीरियड में कौन सा स्टार्ट हुआ, इसको जानते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये एंशिएंट, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में इसमें डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे ओरिजिन पीरियड से। ओरिजिन पीरियड से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो माना जाता है कि 5 लाख साल पहले स्टार्ट हुआ था, या ऐसे तो माना जाता है कि इंसान की जो जो इंसान धरती पर आया था 40 लाख साल पहले आया था, साउथ अफ्रीका में इंसान जो सबसे पहले आया था। उसके बाद पर उस टाइम जो इंसान था आज के इंसान में काफी ज्यादा अंतर है। उस टाइम इंसान बिल्कुल जानवर की तरह दिखते थे, रहते थे, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होते रहा, 4 पैर से लोग 2 पैर पे चलने लगे, इस तरीके का डेवलपमेंट, फिर उन्होंने चिंपैंजी के रूप से, फिर होमोसेपियन माना जाता है कि इंसान का सबसे जो बढ़ के आया होमोसेपियन से ही हम लोग आज इस रूप में इंसान के रूप में डेवलप होकर आए हैं। तो इस तरीके से इंसान का डेवलपमेंट होते हुए तो स्टोन एज से स्टार्ट हो जाता है। स्टोन एज काफी लंबा चलता है, स्टोन एज ओरिजिन से लेके आप 5 लाख ईयर्स से लेके तुम कह सकते हो कि 2500 तक चलता है। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है। तो स्टोन एज 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक पीरियड स्टोन एज से लेके तुम कर, इसमें हम आगे जानेंगे आगे। स्टोन एज सेकंड वन इज पैलियोलिथिक, सेकंड वन इज मेसोलिथिक, सेकंड क्या है मेसोलिथिक, थर्ड में इसमें तुम कर, इसमें थर्ड आता है नियोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड है। एंड फोर्थ वन इज चार्कोलिथिक है, चार्कोलिथिक पीरियड। ये स्टोन एज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिस किस तरीके का कौन सा स्टोन इस्तेमाल होता था, डेवलपमेंट होते होते किस तरह का डेवलपमेंट, काफी लंबा टाइम है। तो इस तरीके से ओरिजिन से लेकर स्टोन एज को, दिस इज नोन एज स्टोन एज को बोला जाता है, ये दिस इज नोन एज स्टोन एज। यहाँ से बढ़ते हुए 2025 BCE में इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्योंकि सिंधु इंडस नदी के किनारे ये सभ्यता सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहता है। यहाँ से बढ़ते हुए फिर तुम देखोगे कि 1500 तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है, आर्यंस आ जाते हैं और यहाँ पे वैदिक एज का आगमन हो जाता है। वैदिक एज इज एज इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। यहाँ से चलते हुए तुम आगे बढ़ोगे तो वैदिक एज का यहाँ पे समाप्त हो जाता है और यहाँ से 500 में से महाजनपद स्टार्ट हो जाता है। महाजनपद यहाँ पे स्टार्ट है क्योंकि वैदिक एज आते आते लोग कई गांव में और कई डिस्ट्रिक्ट और गांव मिलके जन बनता था, उसके बाद महाजनपद बनने लगा था कई डिस्ट्रिक्ट और गांव मिलके प्रोविजन मिलके। तो मगध जनपद स्टार्ट होता है, मगध जनपद से आगे बढ़ते हुए तुम देखोगे कि 300 के आसपास महाजनपद में भी 16 महाजनपद बड़े निकल के आते हैं और वो 16 महाजनपद में से 4 बड़े बड़े ये सभी महाजनपदों में आपस में झगड़ा हुआ करता था, जिसमें से 4 बड़े महाजनपद बना और वो चारों में से सबसे बड़ा जो जनपद बन के निकला वो मगध बन के निकला। मगध जिसका हम लोग आगे पढ़ेंगे, मगध जिसमें मौर्य एम्पायर स्टार्ट हुआ। मगध ये महाजनपद के टाइम में ही तुम देखोगे कि फॉरेन अटैक भी होता है, फॉरेनर अटैक यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, पर्शियन लोग यहाँ पे आने लगते हैं। साथ ही साथ तुम देखोगे कि महाजनपद के जनपद के साथ धर्म, कई धर्म सुधार आंदोलन होता है। क्यों होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ बुद्धिज्म और जैनिज्म का स्थापना ओरिजिन होता है, बुद्धिज्म और जैनिज्म का ओरिजिन होता है। इस तरह तुम आगे बढ़ते हुए देखोगे कि 320 तक यहाँ आगे तुम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, 320 तक यहाँ पे मौर्य एज स्टार्ट हो जाता है। ये मौर्य एज स्टार्ट होता है मगध एम्पायर, जब भी में से मगध एम्पायर निकल के आता है मौर्य एज स्टार्ट हो जाता है जो कि 185 तक चलता है। 185 के बाद फिर 185 से तुम आगे बढ़ोगे, ये तुम्हारा जीरो पीरियड है, और ये 185 से आगे बढ़ोगे तो 300 तक ये पोस्ट
मौर्य एज चलता है, जिसमें मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है और उसके बाद पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जिसमें कई 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 छोटे छोटे बड़े राज्य निकल के आते हैं पूरे भारत में, और पोस्ट गुप्ता सॉरी पोस्ट मौर्य एज यहाँ से चलता है जो कि 320 तक चलता है। और इसके बाद फिर 320 से लेके तुम आगे जब इसके नीचे जाओगे आगे बढ़ोगे तो ये 320 BC से लेके तुम आगे देखोगे कि 550 तक के गुप्ता एज यहाँ पर आ जाता है, गुप्ता एज का ओरिजिन हो जाता है, मौर्य एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है, उसके बाद पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, और फिर उसके बाद 320 से तुम देखोगे कि यहाँ पे गुप्ता एज का गुप्ता एम्पायर का स्टार्ट हो जाता है जो कि 550 तक चलता है, एंड देन फ्रॉम 550 टू 750 तक कह सकते हो कि पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है, पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है जिसमें कई छोटे छोटे बड़े एम्पायर बनता है, जैसे में हर्षवर्धन नॉर्थ की तरफ आता है, नीचे साउथ की तरफ देखोगे चालुक्य पल्लव कई छोटे बड़े एम्पायर बन के निकल के आता है। तो ये अभी हम आपको शॉर्ट में ब्रीफ में एंशिएंट हिस्ट्री का आपको पार्ट बताएं कि कैसे ओरिजिन से लेके 750 तक, क्योंकि 750 के बाद मेडिवल हिस्ट्री का अर्ली मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। तो इसमें हम लोग इसको डिस्कस करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग सब चीज जानेंगे कि कैसे ओरिजिन से लेके ये स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग स्टोन एज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें अभी हम लोग स्टोन एज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोन एज विच जो कि स्टार्ट हुआ है फ्रॉम ओरिजिन से लेके ये स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम ओरिजिन मतलब 5 लाख ईयर्स अगो, 5 लाख ईयर्स अगो से लेके तुम कह सकते हो कि 2500 तक इसका स्टोन एज आता है। स्टोन जिसमें फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक आता है, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक का एज का तुम वही ओरिजिन से इसका 12,000 ईयर्स अगो तक मान सकते हो। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक इज अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक ये क्या है, पैलियोलिथिक इज अ ग्रीक वर्ड है, means paleo, paleo means old and lithic means a stone, lithic means a stone means here paleolithic period which is the oldest stone period which start from the origin to the 12,000 BCE यहाँ से स्टार्ट होता है। और पैलियोलिथिक इज अ ग्रीक वर्ड जो पैलियो मीन्स ओल्ड और लिथिक मीन्स स्टोन, यहाँ पे जो स्टोन मिले काफी बड़े बड़े साइज में मिले हैं क्योंकि यहाँ पे इंसान का डेवलपमेंट ही स्टार्ट क्या हुआ था, इंसान पहले आया था धरती में और इस तरीके से जानवर की तरह बिल्कुल रहता था और जंगल में रहता था, जानवर को खाता था, कई बार जानवर ही उसे खाया जाया करता था। तो इस तरीके से इसमें यहाँ तक के लोग कोई सेटल लाइफ नहीं जीना चालू किया था, हंटर गैदर की तरह लोग रहते थे यहाँ पे। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए इसका जो अवशेष है पैलियोलिथिक का अवशेष है वो भीम बेटका में इसका अवशेष मिला है, भीम बेटका में इसके अवशेष मिला है जो कि MP का रीजन में भी भीम बेटका में क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम है। इस तरीके से पैलियोलिथिक एज आगे बढ़ते हुए ये पैलियोलिथिक एज का पीरियड है, द फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक एज। तुम सेकंड देखोगे मेसिकर, उसके बाद फिर क्या आता है मेसोलिथिक एज आता है, मेसोलिथिक एज आता है, मेसोलिथिक एज ये 12,000 BCE से कंटिन्यू होके ये 10,000 BCE तक ये चलता है। ये क्या है मेसो मतलब यहाँ पे मिडिल स्टोन एज आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पत्थर का साइज है, मतलब इसको स्टोन एज क्यों कहा जाता है, पहले तो ये हम बोलना भूल गए थे, स्टोन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने स्टोन को अपने जीवन को जीने के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो स्टोन यूज करते थे अपने आप को जानवर से बचाने के लिए, जानवर को मारने के लिए उस स्टोन में गुफा में रह के अब रहते थे, शेल्टर के रूप में रहते थे, उस स्टोन से काफी ऐसे वेपन्स बनाते थे तोड़ के, जिससे जानवर को मारने में उसको इस्तेमाल किया करते थे, मीट को काटने में इस्तेमाल किया करते थे। तो इसलिए इसको स्टोन एज कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे स्टोन लोग यूज करके अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं। तो पैलियोलिथिक में जो यहाँ पे लोग कुछ डेवलपमेंट उनका दिमाग विकसित बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, बड़े बड़े पत्थर जैसा मिलता था उसी रूप में लेके वो लोग अपने जीवन को बचाते थे और जीते थे।
आगे उसके बाद मेसोलिथिक आता था, छोटे पत्थर उसको तोड़ के इस्तेमाल करने लगे, जहाँ पे कुछ विपन स्विच बनाने लगे, इसलिए इसको मेसोलिथिक जहाँ पे बोला जाता है, इसको ट्रांजिशन पीरियड भी बोला जाता है। मेसोलिथिक पीरियड इज नोन एज ट्रांजिशन पीरियड, क्योंकि यहाँ तक आते आते दिमाग, लोग का दिमाग थोड़ा डेवलप होने लगा था, इंसान का थोड़ा बहुत सोसाइटी भी चेंज होने लगा था। यहाँ पे लोग क्या, यहाँ पे सोसाइटी, यहाँ पे थोड़ा लोग बनाने लगे थे, कुछ इकट्ठे रहने लगे और सोसाइटी बनाने लगे, और जो स्टोन का साइज था वो थोड़ा यहाँ पे स्मॉल यूज होने लगा, हंटिंग करने के लिए, मीट काटने के लिए, इस तरीके से यहाँ पे स्टोन का साइज थोड़ा डेवलप होने लगा, इसलिए इसको मेसोलिथिक एज कहा जाता है। अब ये हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये लोग पैलियोलिथिक एज में या मेसोलिथिक एज में या भी और भी कई एज में ये लोग क्या यूज करते थे? तो ये लोग टूल्स से, जो टूल्स यूज करते थे वो थ्री टाइप्स का टूल्स यूज करते थे। स्टोन का टूल्स यूज करते थे और वुड का टूल्स यूज करते थे। उसके बाद ये लोग कुछ बोन्स का भी टूल्स यूज करते थे। स्टोन का टूल्स यूज करते थे वेपन्स बनाने के लिए, हंटिंग करने के लिए, मीट को काटने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए। वुड का तो अवशेष पाया गया है कि लकड़ी का इन्होंने हट बनाने के लिए कई बार इस्तेमाल किया, और बोन्स का जो हड्डियां हैं उससे वो लोग वेपन्स बनाया करता था। तो ये कई ये सभी अवशेष मिले जो हमें इंफॉर्मेशन बताता है, देता है। के बाद आगे बढ़ते हुए इसमें मेसोलिथिक एज के बाद तुम आगे देखोगे कि उसके बाद थर्ड में आता है न्योलिथिक। न्यूलिथिक पीरियड ये तो मान सकते हो कि 10,000 BCE से लेके 4,000 BCE तक चलता है। देखो डेट में कभी कुछ फैक्ट बिल्कुल सच नहीं है, हिस्ट्री में डेट कभी भी कहीं कोई सत्य नहीं है, क्योंकि सब कई बुक में डेट कुछ और रहता है, कुछ और रहता है। तो हिस्ट्री कभी भी बिल्कुल एग्जैक्ट सही डेट कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए जो एनसीईआरटी का बुक है उसका तुम डेट कंसीडर कर सकते हो और उसी के आधार पे तुम पढ़ के इसको आगे देख सकते हो। तो न्यूलिथिक एज ये थर्ड पीरियड आता है। इसमें क्या होता है, न्यू मीन्स क्या होता है, न्यू मीन्स नया, और लिथिक मीन्स स्टोन है। यहाँ पे जो स्टोन यूज होता था ये पैलियोलिथिक एज से काफी डिफरेंट यहाँ पे स्टोन यूज होने लगा। यहाँ पे लोग काफी कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट आ जाता है लोगों का यहाँ पे, और यहाँ पे जो स्टोन का साइज था वो काफी छोटा यूज होता है। यहाँ पे जो स्टोन का उसने जो साइज यूज किया है वो काफी छोटा यहाँ पे यूज किया। न्यू मतलब छोटा, यहाँ पर यहाँ का जो स्टोन था न्यूलिथिक का स्टोन था वो काफी शाइनिंग था, साफ था, चिकना था। यहाँ तक आते आते लोग काफी कुछ लोगों में डेवलपमेंट हो जाते हैं। यहाँ पे स्टोन बहुत छोटा रहता है जो कि यूज करता है वो लोग टूल्स के रूप में। और यहाँ पर आते आते इन्वायरमेंटल चेंज तो मेसोलिथिक के टाइम पे ही हो जाता है, जिसमें लोग एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर देता है। पर न्यूलिथिक एज आते आते यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंसान को डेवलपमेंट में, क्योंकि यहाँ तक आते आते उन्होंने ऐसा टूल्स बना लिया जिससे उन लोगों को खेती के लिए आसान हो गया, खेती करने लगे, उसके बाद जानवर पालने लगे। अब जैसे उन लोग खेती कर रहे हैं, अनाज उपजा रहे हैं, तो अनाज उपजाने के लिए उन लोगों को एक प्लेस पे कुछ समय के लिए रहना पड़ता था, क्योंकि उसको अनाज उपजाना है, उसको वाटरिंग करना है, उसको काटना है, तो इस तरीके से काफी कुछ टाइम स्टे वहां बिताना पड़ता था, जिसके कारण लोग सेटल लाइफ जीने लगे थे। यहाँ पे लोग सेटल लाइफ, यहाँ पे काफी कुछ डेवलपमेंट सेटल लाइफ जीने लगे थे। यहाँ पे लोग सोसाइटी बनाने लगे थे, सोसाइटी में लोग रहने लगे। जब सोसाइटी बनने लगा तो लोग कस्टम्स एंड ड्यूटीज फॉलो करने लगे, जो एक बर्थ देता है कल्चर का, बर्थ देता है भारत में इस तरीके से कल्चर का ओरिजिन होता है, जिसमें लोग अपना प्रथाएं स्टार्ट करते हैं, कल्चर स्टार्ट करते हैं, और ये कल्चर स्टार्ट करता है, एग्रीकल्चर डेवलप होता है, सेटल लाइफ जीने लगते हैं। उसके बाद तुम देखोगे कि इसमें जो ग्रेन्स उपजाने लगे, जो फूड उपजाने लगे वो काफी चीज के लिए यूज करने लगा, जैसे मैं ये फूड के लिए यूज करने लगा। फिर ये आप देखोगे सीड के लिए यूज करने लगा, ग्रेन जो अनाज उपजाने लगे इसको सीड के रूप में भी इस्तेमाल करने लगा, ताकि वो नेक्स्ट फिर से सीजन में इसी सीड से ग्रेन को उपजा, गिफ्ट के रूप में भी तुम देखोगे कि लोग इसको इस्तेमाल करने लगे, इस तरीके से इसको स्टोरेज करने लगे। तो उन्होंने कई पोएट्री बनाना चालू कर दिया, तो इस तरीके से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है। एनिमल्स का भी उन्होंने इस्तेमाल काफी कुछ में करने लगा, एनिमल्स का उन्होंने मिल्क के लिए इस्तेमाल करने लगा, मीट के लिए इस्तेमाल करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करने लगा। तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे आते आते बहुत बड़ा चेंज होता है इंसान के रूप में,
और यहाँ से बढ़ते हुए फिर तुम देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं पे आज एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से कंटिन्यू करते हुए आगे एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर जाएंगे। थैंक यू टू एवरीवन।